तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बैठे हैं अपनी टाटा नेक्सॉन में। जिसने इस गाड़ी की रिव्यू वीडियो नहीं देखी है वह आई बटन से जाके देख सकता है। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि इसके इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें थी, प्लस इसका इंफोटेनमेंट क्या था। तो बने रहे वीडियो में, आगे आपको बता दें कि इंफोटेनमेंट सिस्टम जो इसमें दिया हरमन का, जो बताते हैं 1 से 1.5 लाख रुपये का, वो क्या वर्थ है या आफ्टर मार्केट 6-7 हज़ार का बढ़िया लगता है चलाने में। तो भाई यहाँ पे देखो नेक्सॉन की बहुत बढ़िया बैचिंग। इस गाड़ी को चलाते चलाते हो गया 20 से 25 दिन, तब मैं आपको अब अच्छे से रिव्यू बता सकता हूँ कमियाँ क्या क्या लगी, तो आप देख सकते हैं। तो भाई एक बार हम लोग नाइट व्यू में आ चुके हैं, क्योंकि भाई दिन में किसी को समझ नहीं आएगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें लगती है, जो चीज़ें इसमें लाइट जलती है नहीं जलती है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा दिखता है। क्योंकि भाई बहुत लोग चाहते हैं ना, रात में जैसे सबको टाइम मिलता है रात में वह घूमने चले जाते हैं, तो उनको कैसा फील आएगा, तो हमको इस वीडियो में कवर करना था। तो भाई देखो चाबी रात में ऐसे दिखती है, तो यहाँ हम लोगों ने रख दी। यहाँ पे इसके मोड्स हैं, यहाँ देखो इसके 6 गियर्स आते हैं, और बाकी इंफोटेनमेंट जो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, पहले एक बार देख लेते हैं ये जो बटन से इसमें कैसी लाइट जलती है। देखो भाई यहाँ से एक बार ऑन कर दिया, DRLs ऑन हो जाते हैं, और अपने ये देखो सब में इसमें लाइट जलती है, मोड्स में लाइट जलती है, जो स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल है इसमें जलती है, बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐसा दिखता है। और देखो पार्किंग के लिए रेडी यहाँ पे। बाकी भाई रात में भी ना बहुत प्रीमियम लोग आता है, आप लोग मैं तो सजेस्ट करूँगा ले लो, जिसको एवरेज नहीं देखता है, जो जिसको एवरेज चाहिए वो जाएगा मारुति पे, जो साफ सीधी बात है वो आपको पता है। बाकी भाई अब मेन चीज़ पे आते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम पे। तो यहाँ से आप देख सकते हो ऐसा कुछ लोग है, इसका होम पे एक बार हम लोग करते हैं, और यहाँ से बंद म्यूट कर देते हैं पहले। बाकी एक बार ब्राइटनेस एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ से ब्राइटनेस एडजस्ट होती है, लो पे कर देते हैं क्योंकि कैमरा पे कैप्चर नहीं होगा। तो देखो भाई इसमें जो है होम स्क्रीन है, यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो आता है, एप्पल कार प्ले भी आता है, और Bird 3 जो है ये टाटा का खुद का है। ये रेडियो है, ये अपना वॉइस कमांड के लिए, जैसे AC VC ऑन हो, टर्न ऑन AC, जैसे वॉइस कमांड वाले बताएगा, से या कमांड बोलेगी ऐसी करके कुछ भी, मतलब आप अपने हिसाब से बोल दो। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये फीचर कोई काम का होता नहीं, क्योंकि जितनी देर में बोलेगा उतनी देर में खुद बटन दबाएगा, भले हाथ में कुछ खा रहा हो तब ठीक है। ये ऑडियो सेटअप के लिए, यहाँ से जिसको बेस पसंद है बेस बढ़ाए, आवाज़ पसंद है आवाज़ बढ़ाए, तो सब कुछ अच्छे से इनने मैनेज करके दिया हुआ है। ब्लूटूथ कंट्रोल है, यहाँ कॉन्टैक्ट, ये डूडल अपनी फोटो लगाने के लिए, ड्राइवनेक्स, इसकी मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, ये ड्राइवनेक्स है क्या, ये फ़ोन से अपने कनेक्ट हो जाती है, एरा जो इसमें फीचर दिया है आप कमेंट में बताना, उसकी वीडियो मैं जल्दी ले आऊँगा अगर आपको चाहिए तो। बाकी आईपॉड, ये पार्क असिस्ट, ये अपने कैमरे के लिए, जैसे चलते चलते देखना हो। देखो भाई कैमरा इसका साफ है, इतना ही कि आप देख सकते हो क्लियर तरीके से क्या क्या ऑब्जेक्ट है, ये इतना भी नहीं कि कैमरे की तरह बढ़िया है, बाकी आप देख सकते हो अच्छा। यहाँ पे स्टेयरिंग जब मोड़ूंगा तो स्टेयरिंग मोड़ने के साथ वो भी इसमें आएगा, देखो स्टेयरिंग जब मोड़ा तो पीछे के साथ, अभी मेरा मोड़ा हुआ है स्टेयरिंग, देखो जैसे हिलाऊंगा तो हिलेगा। बाकी बैक करते हैं इसमें, ये फ़ोन सेटअप के लिए, सेटिंग्स के लिए है, सेटिंग्स में व्हीकल सेटअप, वॉल्यूम सेटअप, फ़ोन सेटअप, सिस्टम अपडेट, थीम्स। तो भाई जिसको थीम्स वीम्स चेंज करनी हो, थीम्स भी, जैसे पर्पल आ रहा है ना अभी थोड़ा सा, तो पर्पल की जगह हम लोग कर सकते हैं इसमें, ये ब्लू कर सकते हैं, ये रेड कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं। तो भाई आप लोग कमेंट में बताना आपके कौन से कलर पसंद है, तो मैं वही कलर परमानेंट लगा के रखूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं ब्लू कर देता हूँ, अब जब कमेंट आएगा तभी चेंज करूँगा, ठीक है जी। बाकी बैक करते हैं थोड़ा सा, और क्या क्या चीज़ें इसमें दी है, साउंड डेमो दिया है जो अभी देखते हैं, बाकी थीम तो वही बाहर सामने सामने देती है, इस साइड अपना फ़ैन स्पीड दे देता है। तो भाई ये भी चीज़ें यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हो, और यहाँ से भी अपना जैसे पैर में हवा चाहिए सब चीज़ यहीं से है, देखो जैसे ये पैर में हवा ये सब, तो अब चेहरे पे कर देते हैं। फ़ैन स्पीड भी हम लोग यहीं से सेट कर सकते हैं, और टेम्परेचर जैसे AC का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। बाकी म्यूज़िक यहाँ शॉर्टकट दिए हुए हैं, जैसे फ़ोन में होता है ना अपना, वैसा यहाँ से पावर ऑफ कर सकते हैं अपने होम पे आ गया। बाकी ये घड़ी जैसे कोई सब कुछ बंद करना होता है यहाँ से बंद हो जाता है अपने हिसाब से, देखो क्लॉक भी सेट कर सकते हैं। तो देखो भाई मेरे को जो पर्सनल पसंद आया ये वाला पसंद आ रहा है, देखो क्लासिक लुक आ रहा है। और बाकी एक बार इसका साउंड क्वालिटी चेक करते हैं, बाकी जिसको जिसको वैसी साउंड सुननी है जैसे सिद्धू मूसे वाले की या फिर कोई भी इंग्लिश सॉन्ग, तो मेरे को कमेंट में बताएं, मैं उसको स्पेशली उसको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। और वैसे जिसको व्हाट्सएप पे नहीं भिजवाना, वो मेरे इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं मेरे जो अपने मैं स्टोरी डालते रहता हूँ, प्लस इसके स्टेटस सिनेमेटिक वीडियो डालते रहता हूँ, तो आप ज़रूर जाके देखें, फॉलो वाले करें ना करें लेकिन आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो एक बार इसका साउंड डेमो देखते हैं आप, मैं रिकमेंड करूँगा आप हेडफोन लगा लो। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले एपिक ट्रैवल चलाते हैं, और वॉल्यूम अपना हम लोग रखते हैं 15 रखते हैं, चलो ठीक है 3, 2, 1। Thank you.
स्पीकर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा। एक बार इसमें ये वाला बेस वाला चलाते हैं, बेस वाले में बहुत अच्छा है। देखो भाई तो भाई जैसा एज अ यूज़र ना मेरे को काफ़ी अच्छे इसके स्पीकर लगे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो भाई जो है मतलब टॉप मॉडल का ये फ़ायदा रहता है, बाहर से कुछ काम कराने की ज़रूरत नहीं रहती, तो आप बेफिक्र होके यूज़ कर सकते हो चीज़ें इसमें। और बार बार की टेंशन नहीं कि ये लगा वो लगा, भाई बहुत ज़्यादा है। जिसको बेस ज़्यादा पसंद है वो यहाँ से अपना एडजस्ट कर सकते हैं, इन्हें ऑप्शन दे दिया है। देखो पाँच पाँच जो अपने हिसाब से बेस बढ़ा लो वो बढ़ा सकता है। तो काफ़ी कैसे लगे आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक यू सो मच।